हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जेरार्ड पीके ने जो है अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, एंड ऑब्वियसली इफ यू आर अ फुटबॉल फैन एंड इफ यू आर एन इंस्टाग्राम, देन अभी आपको फीड पे सारी यही चीजें नजर आ रही होंगी अबाउट यू नो पेइंग ट्रिब्यूट टू हिम, व्हाट अ ग्रेट करियर ही हैड एंड ऑल दैट। जैसे होता है राइट, कोई भी हाई प्रोफाइल प्लेयर या हाई प्रोफाइल भी नहीं, चलो कोई भी प्लेयर जब रिटायर होता है तो आपको ये देखने मिलता है अबाउट टीममेट्स एंड फैंस लाइक अप्रिशिएटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गेम बाय दैट पर्टिकुलर प्लेयर हुज रिटायर्ड, एंड जेरार्ड पीके के साथ इट्स नो डिफरेंट। अभी रिसेंटली फ्रैंक रिबरी ऑल्सो अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, और उस टाइम पे एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, लेकिन वो रह गया। अब फ्रैंक रिबरी के बारे में जो है, मैं जो वीडियो बनाने वाला था उसकी जो थीम है, मुझे काफी हद तक लेकिन लगता है कि जो पीके के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं उसकी थीम काफी सिमिलर है। वो थीम क्या है, देखो अगर आप रिबरी की करियर देखोगे, ऑब्वियसली ही वॉज अ वेरी डेकोरेटेड प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। बायर्न म्यूनिक के एक गोल्डन एरा कह लो आप, बायर्न म्यूनिक का जो काफी वेल 10 साल से चल ही रहा है, लेकिन एक टीम बायर्न म्यूनिक की जो बहुत ही तगड़ी टीम थी, विच कुड रियली गिव एनी टीम इन यूरोप, डेफिनेटली रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना रन फॉर देयर मनी इन दोज डेज, वो उस टीम का एक बहुत ही इंटीग्रल कॉग इन द व्हील वाज फ्रैंक रिबरी। लेकिन ऑफकोर्स काफी सारे लोगों को लगता है कि शायद उसको क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, एंड यू नो ही शुड हैव वन अ बैलन डोर व्हेन ही डिडंट बिकॉज ऑफ you know the star players of both Real Madrid and Barcelona at the time, which was Ronaldo and Messi obviously, lekin still had a great career nonetheless. And Gerard Pique ko leke jo hai na ek similar, mere ko lagta hai ki uske sath bhi kuch waisa hi hai, and it's not, dekho it's not really because or it's not really the it's not the case that logo ko pata nahi hai Pique ke bare mein ya log zyada baat nahi karte Pique, in fact aap title to aapne padh hi liya hoga, तो ऑफकोर्स इट्स ट्रॉफी स्कैंडल्स। अब स्कैंडल जो है वो तो काफी रिसेंट एक पार्ट रहा है, जेरार्ड पीके कॉन्वर्सेशंस जो हो रहे हैं उसके बारे में नेगेटिव हो रहे हैं वो तो काफी रिसेंट है, बट उसके पहले फॉर ऑलमोस्ट यू नो 12 टू 15 ईयर्स ही हैज बीन एट द टॉप। लेकिन और फुटबॉल में ना आप एक चीज नोटिस करो, चाहे आप कितना भी बोल लो हाइपर इन्फ्लेटेड फुटबॉल मार्केट में, शायद अब ये चीजें बदल रही हैं, लेकिन डिफेंडर्स भी जो हैं वो 50 मिलियन 60 मिलियन 80 मिलियन के लिए बिक रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं, लेकिन यार फुटबॉलर्स आर अप्रिशिएटेड इन दिस ऑर्डर, स्ट्राइकर्स और फॉरवर्ड्स, मिडफील्डर्स, डिफेंडर्स एंड देन द गोलकीपर। आप कितना भी डिनाई कर लो इस चीज को, ठीक है देयर विल बी द ऑड एबरेशन हियर एंड देयर, देयर विल बी एन इकर कैसियस, देयर विल बी अ मैनुअल नॉयर, देयर विल बी अ वर्जिल वैन डाइक, ठीक है एबरेशंस है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखोगे ना तो जो स्टार प्लेयर्स होते हैं वो सारे जनरली अगर आप देखोगे तो 70% आर प्रोबेबली फॉरवर्ड्स, एंड बाय दैट आई डोंट मीन the important players in the team, but just the star players, the players that people buy tickets for are still most likely the forward players. And अभी मैं एक Sky Sports पे इंटरव्यू देख रहा था डैरन फ्लेचर का। डैरन फ्लेचर आपको याद होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के, सर एलेक्स फर्ग्यूसन के टीम का एक इंटीग्रल पार्ट अलॉन्ग विथ माइकल कैरिक, और ये जो दो प्लेयर्स है ना, माइकल कैरिक को तो फिर भी चलो मिला, बट इवन डैरन फ्लेचर के बारे में मुझे काफी हद तक लगता है कि यार उसको भी वो रिकग्निशन नहीं मिला वेन ही वॉज एक्चुअली दैट गुड। एंड जेरार्ड पीके को लेके अगर हम बात करें तो वॉजेंट इट समथिंग सिमिलर विथ हिम, आई मीन ही वॉज पार्ट ऑफ द गोल्डन जनरेशन एट बार्सिलोना, पार्ट ऑफ द गोल्डन जनरेशन ऑफ पेप गार्डियोला बार्सिलोना राइट, विच इज वेयर बार्सिलोना रियली स्टार्टेड टू मेक वेव्स इन यूरोपियन फुटबॉल अगेन, एंड वो रन काफी टाइम तक उनका चला फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, and Gerard Pique that run coincided with a fantastic run with the Spanish national team also, he was part of that golden era as well where they won three major trophies in a row, 2008-2010 world cup in south africa and then 2012 euros mein, but us time ki agar main aapko baat karu spanish team ki chalo baat karte hain ki jo defender tha ya jo defense tha to pehla naam us spanish team mein kaun sa aata hai aapke dimag mein, I bet it wouldn't be Gerard Pique, it would be Carlos Puyol. Maybe for good reason as well, you'd say. Puyol probably was a more gifted defender. But that is not to say that Gerard Pique wasn't an equal and an equally important half at center half for the Spanish national team in that time. So,
यही सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि पीके को शायद वो, एंड देखो अगर आप, मैंने बेंजेमा के ऊपर भी रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि कैसे ही रियली डिजर्व द बैलन डॉर, एंड वन ऑफ द बिग फैक्टर्स अबाउट करीम बेंजेमास करियर वाज हिज कंसिस्टेंसी, कि कितना कंसिस्टेंट रहा है 2009 से जब से रियल मैड्रिड ने उसको साइन किया तब से लेके अब तक, इवन टू स्टे रेलिवेंट जबकि इतने सारे स्ट्राइकर्स आए और गए, राइट, दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग डील। एंड जेरार्ड पीके के बारे में मुझे लगता है कि शायद इस चीज में उसको क्रेडिट उतना नहीं मिलता when he is actually managed to stay relevant for so many years. When he broke onto the scene, Barcelona का ही career ले लेते हैं, I think 2008 में he left Manchester United for Barcelona. तो उस time से लेके अब तक, this season probably under Xavi, would say that he's dropped and he hasn't played very many games and maybe he's not part of the plan now because Barcelona are obviously in a kind of a rebuilding phase, और उसमें obviously PK and maybe Sergio Busquets वगैरह की भी, अब मतलब these players are the tail end of that golden Barcelona generation, जो कि obviously आपको पता है कि बाकी बहुत ज्यादा साल नहीं खेलने वाले, obviously you need young fresh players who are actually going to be there with you for the next 5, 7, 10 years, and PK is not one of them, but उस time पे he was relevant along with the Carlos Puyols, along with the Pepes, along with the Nemanja Vidic's, the Ferdinands, the Terry's, the Carragher's, फिर वो फेस गई, उसके बाद of course you know you had उसी time पे या उसके थोड़े से बाद Bonucci and so many other great defenders. He's seen the time of Virgil van Dijk also, उस time पे भी when the, around the time when Virgil van Dijk was probably you know the most decorated centre half of this generation of the last you know 5 years or so. उस टाइम पे भी पीके वॉज वेरी रेलिवेंट एंड इज द वन द मेन सेंटर हाफ एट बार्सिलोना अंटिल वेरी रिसेंटली. तो जस्ट टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर सो मेनी इयर्स, और पोजिशनिंग वाइज एंड कूलनेस वाइज एक्चुअली रिमाइंड्स मी अ लॉट ऑफ वर्जिल वैन डाइक, और अदर वर्जिल वैन डाइक डज रिमाइंड मी अ लॉट अबाउट जेरार्ड पीके, क्योंकि जो कंपोजर है बॉल के ऊपर वो बहुत ही तगड़ा है पीके का. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज बिग स्ट्रेंथ्स एंड इट्स बिकॉज ही कैन कीप द बॉल एट हिज फीट. डिफेंडर्स में, सेंटर हाफ्स में आप जनरली दो टाइप के सेंटर हाफ्स देखोगे, एक वो जो थोड़े से रैश होते हैं, राइट, लाइक दे डोंट नेसेसरीली प्रेफर कीपिंग द बॉल एट देयर फीट फॉर टू लॉन्ग. ऑब्वियसली सर्जियो रैमोस इज प्रॉब्ली एन एबरेशन टू दैट बिकॉज ही डज बोथ, ही इज रैश एंड ही लव्स टू कीप द बॉल इज वेल. बट अदरवाइज आप देखोगे कि देर आर दोज हु आर एक्सट्रीमली कट थ्रोट, दैट डेल डिफेंड, बट देर आर दोज ऑल्सो हु आर पोजिशनली वेरी गुड, एंड जेरार्ड पीके वॉज सर्टनली वन ऑफ दोज, एंड दोज आर द प्लेयर्स हु हैव अ लॉट ऑफ कंपोजर. उनको जरूरत नहीं फील होती जनरली, आप उनको देखोगे नहीं बैक ट्रैकिंग टू मच, बट बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेड श्योर दैट दे आर नॉट इन अ पोजिशन विच इज कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट. तो पीके के बारे में ये भी एक बहुत बड़ी बात है. तो रिटायर हो रहा है ऑब्वियसली, यू नो, एक के बाद एक बार्सिलोना में नाउ प्रॉब्ली द लास्ट रिमेनिंग प्लेयर आई थिंक फ्रॉम यू नो द टाइम ऑफ द मेसीज एंड द जावीज एंड द इनिएस्टास इज प्रॉब्ली सर्जियो बुस्केट्स, जो अभी गैवी और पेड्री के बीच में अभी भी खेल रहा है. बट ऑफकोर्स यू नो वी मूव ऑन, एंड Barcelona particularly now the second season in a row that they haven't qualified to the Champions League knockouts, which is a big deal, big pressure for Xavi as well, and maybe it's the right decision for PK. We know that he has a lot of business ventures, football mein hi, tennis mein bhi, so you know he's going to continue with that. But still I thought that I had to make this video Gerard PK ke bare mein, you know, definitely worth talking about this player, this the player of this caliber for about 8 or 9 or 10 minutes. Just a fantastic player to watch over the years.